यशोधरा अपने बेटे को महिला आश्रम में छोड़ के चली जाती है। सावित्री देवी जी, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? रोई नहीं बेचारा तो क्या करे, माँ के बगैर इतना सा बच्चा कभी रह सकता है? माँ के बगैर? लाइए इसे, मैं दूध पिलाती, ये तो धर्म का काम है। गुड मॉर्निंग, मुझे कैलाशनाथ गुप्ता कहते हैं। कैलाशनाथ गुप्ता यानी राज मेहरा अपने पत्नी को ढूंढते हुए आश्रम आते हैं। पत्नी है। आपकी पत्नी? जी हाँ। बहुत देर से आए हैं आप। क्यों, खैरियत से तो है वो? ये चिट्ठी पढ़िए, आपको सब मालूम हो जाएगा। ये लीजिए अपना बच्चा। सन कैलाशनाथ गुप्ता का बेटा विजय कुमार गुप्ता यानी धर्मेंद्र अब बड़ा हो चुका है। बस बस, चोरों की तरह कहां जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग डैड, मैंने नौकरी कर ली। क्या कहा, नौकरी? हाँ डैडी, 3 महीने में मैंने सीआईडी में नौकरी कर ली। दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा, और वो भी सीआईडी में? आइए साहब। कहो कहो। माफ करना था। कैलाशनाथ गुप्ता का ड्राइवर गोगो यानी महमूद बचपन से उनके यहाँ काम करता है। एक मिनट साहब, इसकी भी बैटरी डाउन हो गई है। कमाल है, तीनों गाड़ियों की बैटरियां एक साथ डाउन हो गई। हाँ, क्योंकि साहब वो तीनों गाड़ियों की बैटरी एक ही कंपनी की है। चार्ज करा के क्यों नहीं रखते? अब मैं दफ्तर कैसे जाऊँ? गोगो, अगर आइंदा इसकी गलती की तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। विजय, मुझे तुम्हारा काम देखकर खुशी होती है। तुम एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर साबित हो रहे हो। 2 बरस पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अचानक गायब हो गया, वो अभी तक लापता है। पापा, कहाँ चले गए आप? कविता यानी वैजयंतीमाला एक आर्ट स्टूडेंट है। यशोधरा यानी सुलक्षणा कविता को बचपन से माँ की तरह पालती है। जाने दो। क्या बात है आंटी? अभी पिछले दिनों दीवान साहब तुम्हारे अंकल यहाँ आए हुए थे। जिस दिन वो जाने लगे तो उनको एक फोन आया था, गलती से मैंने ये फोन उठा लिया। दूसरे कमरे में दीवान साहब रिसीवर उठा चुके थे। याद रहे दीवान साहब, श्याम कुमारी ये राज जानता है कि आपके सौतेले भाई और पार्टनर को क्या हुआ। ऐसी बातें फोन पर नहीं किया करते अशोक, दीवारों के भी कान होते। मैं फौरन बॉम्बे पहुंचकर तुमसे मिलता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंकल ने अशोक के साथ मिलकर तुम्हारे पापा से विश्वासघात किया है, और श्याम कुमार उनके पाप का राज जानता है। अगर ये सच है तो मैं बॉम्बे पहुंचते ही श्याम कुमार से मिलकर सारी बात का पता लगाऊंगी। कविता श्याम कुमार के बारे में जानने के लिए उसके अंकल दीवान साहब यानी डीके सप्रू के घर आती है। पार्टनर को लंच पर बुलाया, तुम उससे मेरी तरफ से माफी मांग लेना और कहना लंच की बजाय आज रात का खाना वो हमारे साथ खाए। पर अंकल, आपने उनका नाम ही नहीं बताया। उसका नाम है श्याम कुमार। एक्सक्यूज मी, दीवान साहब घर पे हैं? वो घर पर नहीं है, मगर आपके लिए मैसेज छोड़ गए हैं। मेरे लिए मैसेज? उधर विजय कुमार आता है और कविता उसे श्याम कुमार समझ लेती है। श्याम कुमार, और आपने फौरन मुझे पहचान लिया कि मैं श्याम कुमार? देखिए मैंने कैसे पहचान लिया। दाद देता हूँ आपके पहचानने की। वैसे भी आपको देखकर, आपसे मिलकर जी खुश हो गया। अपनी बात कीजिए ना। हम झील पर जा रहे हैं, अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो हमारे साथ पिकनिक पर आइए। आपने मेरा नाम तो यूं पहचान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। मैं कविता। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। अंकल,
आदमी है, हम लोग उन्हें खींच के अपने साथ ही पिकनिक पे ले गए, क्या मजा आया। सुनो बेटी, इनसे मिलो, ये है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर श्याम कुमार। नमस्ते मिस्टर श्याम कुमार। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप अपने भाई साहब के बारे में और कुछ नहीं जानते? कविता के बाप के बारे में विजय कुमार दीवान से पूछताछ करता है। पता नहीं चला कि भाई साहब का क्या हुआ, उनकी किसी से दुश्मनी भी तो नहीं थी। अशोक, दीवान साहब आइए। दीवान अशोक कुमार यानी प्राण से मिलने जाता है। कहता हूं कि धुएं से मत खेल, क्योंकि धुआं जब आंखों को लगता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। दीवान साहब मेरी आंखें तो आप क्या देखा है इन्होंने? सीआईडी ऑफिस। सीआईडी ऑफिसर कौन है? उसका नाम है विजय। मुझे डर है तो सिर्फ श्याम कुमार का, जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू कविता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। दिल तेरा जा तेरी दुनिया जल तो जले, दिल तेरा जा तेरी दुनिया जल तो जले। मैं तुझे पल मरी दुनिया जल तो जले। ना 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 ना, दिल तेरा जा तेरी दुनिया जल तो जले। आहा आहा, तू मेरा हूँ मैं तेरी हूँ दुनिया जल तो जले। ना 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 ना, ना दिल तेरा जा तेरी दुनिया जल तो जले। लिफ्ट क्यों रुक गई? मैम साहब लगता है बिजली फेल हो गई। कितनी गर्मी है, पंखा भी बंद। तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? असा तेरा पीछा नहीं हो छोड़ना, पावे लग जावण हथकड़िया। ये टैग है बंद करो और लिफ्ट चालू करो, मुझे पार्टी में जाना है। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं विजय कुमार गुप्ता, सीआईडी ऑफिस। विजय कुमार कविता की मदद करता है। और लिखो श्याम कुमार के नाम एक लव लेटर। श्याम कुमार लव लेटर? कविता जी आपका खत मेरे हाथ में है, 10 दफा पढ़ चुका हूँ, फिर भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे इतना चाहती हैं। कविता कितना खुश नसीब हूँ मैं। जी खुश नसीब तो मैं हूँ जो आपने मेरी इतनी कदर की। लेकिन फोन पर नहीं, आप कल शाम को नेशनल पार्क में मुझे 8 बजे मिल जाइए। दीवान साहब श्याम कुमार की तरफ से खतरा हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ठीक मैं 8 बजे पहुंच गई। अच्छा पापा के बारे में वो कौन सी बात है जो पुलिस भी नहीं जानती, सिर्फ आप जानते हैं, बताइए ना। चुप क्यों है, बोलिए ना मिस्टर श्याम कुमार, बताइए ना। यशोधरा के ढूंढने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पुलिस से ढूंढवाया, अखबारों में छुपाया, यहां तक कि इनाम का भी वादा किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा बेटा आज तक यही समझता है कि उसकी मां मर चुकी है। आपका बेटा? जी हाँ मेरा बेटा विजय, वही जिसे मैं आपके आश्रम से लाया था, वो नन्हा अब जवान हो गया है। विजय बेटा ये है सावित्री देवी, ये हमारी बड़ी पुरानी मेहरबान है और तुम्हारी माँ भी इनकी बहुत इज्जत करती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी। अच्छा डैडी मैं चलो। क्या जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स जा रहे हो? मैंने सुना है आज वहाँ कोई जलसा वलसा है। नहीं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मेरा क्या काम, मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ओ सखिया ओ सखिया,
अखियां लड़ गई एक जादूगर से, एक जादूगर से। ओ सखियां मुरी अखियां लड़ गई एक जादूगर से, एक जादूगर से। ओ सखियां सखियां मेरे डैडी डांस देख रहे थे। डैडी माँ की जगह जिन्होंने मुझे पाला है मैं उन्हें आंटी कहती हूँ, वही मेरी सब कुछ है। आपको उन्हीं से मिलना होगा। क्या नाम है उनका? यशोधरा देवी। यशोधरा देवी? हाँ, उनके जीवन भी बड़ा दुखी रहा। कैलाश नाथ जी को पता चल जाता है कि यही यशोधरा उनकी पत्नी है। आओ यशोधरा, आज तक तुम्हारे बगैर ये घर मुझे सुना सुना सा लगता था। हेलो, मुझे कैलाश नाथ जी से बात करनी है। हाँ, मैं कैलाश नाथ गुप्ता बोल रहा हूँ। आप कौन सा? मैंने भी यही कहा था, क्योंकि उनका जो बेटा था उसे आप अपना बेटा समझकर पाल रहे। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये कहानी नहीं हकीकत है। मैं ही विजय हूँ और इस घर में मैंने ही आपकी बेटी की जगह ले रखी थी। विजय, डैडी मुझे गोगो ने सब कुछ बता दिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। विजय सब सच सुनने पर घर छोड़ देता है। मैडम आओ। अच्छा सुन, एकदम स्कीम फिट बैठी है, किसी को भी किसी बात पर शक नहीं हुआ। तुमने स्कीम ही ऐसी जालिम बनाई थी माँ। आ क्या दिमाग पाया, अमेरिका में सिंडिकेट भी ऐसी चाल नहीं बना सकते। जाओ ये। जाओ बेटा अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। तुम मेरे बेटे को जानते हो? माँ जी, गोगो और मैं तो एक साथ रहते हैं, और जब मैं आपको साथ लेके जाऊंगा गोगो खुशी से पागल हो जाएगा। यानी तुम ये कहना चाहते हो जब यशोधरा ने कविता से सतीश का परिचय करवाया तो कविता ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी आवाज उसने एक बार टेलीफोन पर सुनी थी। यस सर, क्योंकि कविता ने खुद मुझे बताया कि जिस रोज श्याम कुमार ने उसे 8 बजे मिलने को कहा था ठीक उसी दिन उसने किसी अशोक नाम के आदमी का फोन अपने अंकल के नाम रिसीव किया, लेकिन फोन पर आवाज सुनकर उसे यकीन हो गया कि अशोक और सतीश दो आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी के दो नाम। टेलीफोन पर तुम बहुत घबराई हुई लग रही। अशोक, जिस बात का मुझे डर था वही हुई। सर मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, सावित्री और सतीश राज दोनों अंदर से एक दूसरे से मिले हुए। हेलो दीवान साहब, वही हुआ जिसका कि डर था। श्याम कुमार जिस आदमी के पास हमारा राज लिखकर छोड़ गया है वो हम हमें ब्लैकमेल कर रहा है, 1,00,000 रुपया मांगता है। ये तो गजब हो गया, अब क्या किया जाए? आप तो जानते हैं कि विजय की मुझ पर नजर है, हो सकता है कि उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा रखे, इसलिए आप 9 बजे से पहले ये रुपया वहां पहुंचा दें। तुम बेफिक्र रहो अशोक, मेरा मतलब है सतीश, अगर वाकई उसके पास सबूत मौजूद हुआ तो मैं सौदा कर लूंगा। ठीक है, चले आइए। अंधेरा क्यों कर रखा है, लाइट ऑन कीजिए। ओ दीवान साहब, अशोक की जगह आप तशरीफ लाए। मुझे ब्लैकमेल करने चले थे? निकालो वो चिट्ठी और नेगेटिव। इतना तो सोच लिया होता कि मैं अगर तुम्हारे दोस्त श्याम कुमार को चलता कर सकता हूं और अपने भाई बिहारी का खून कर सकता हूं तो मैं। मां, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों, क्या हुआ? मेरा वो सतीश के बच्चे से झगड़ा हो गया, न जाने वो कान्हा अपने आप को क्या समझता है। मुझे तो उस घर की बर्बादी पर रोना आता है, जी में आता है कि उर्वशी महिला आश्रम पर जाकर एक बम फोड़ दूं। उर्वशी महिला आश्रम? हाँ, और वो सावित्री देवी गिटकी है ना, उसका खून कर दूं। उर्वशी महिला आश्रम, सावित्री देवी, क्या तू उसे जानता है? अरे माँ, वही तो है फसाद की जड़, उसी ने सारी आग लगाई है, न जाने इतने सालों के बाद में कहां से आन टपकी। और वो कहती है कि सतीश कैलाशनाथ जी का बेटा है जो उसकी गलती से बदल गया था और सेठ जी उसकी जगह विजय को उठा लाए थे। विजय वो लड़का है जिसे कैलाशनाथ जी आश्रम से उठा लाए थे? हाँ माँ, लेकिन तुम क्यों परेशान हो गई हो? विजय मेरा बेटा है। सच सुनकर गोगो विजय को सब कुछ बता देता है। मैं जाके विजय भैया को लेकर आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये है लक्ष्मी बाई। कौन? सावित्री देवी। ठीक पहचाना, ये है मेरा लड़का सतीश राज।
चलो हमारे साथ। मैं कहता हूँ चलो, चलो मैं गोली मार दूंगा। चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ माँ जी कहाँ है। अरे अब्बा जूनियर जल्दी जा। मैं यहाँ हूँ, मुझे इन लोगों ने बंद कर रखा है। चुप रह। मैं CID ऑफिसर विजय गुप्ता अपनी माँ को लेने आया हूँ। अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा। आखिर में सब खुशी से मिल जाते हैं। गोगो, गोगो बेटा जल्दी आओ।